ये समय रेत में, जो मुट्ठी में रेत होती है ना, धीरे 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 फिसलती रहती है और हमारा हाथ खाली हो जाता है, वैसे ही ये समय हमारे ज़िंदगी का धीरे धीरे उस रेत की तरह हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है। जितना जल्दी हो सके इस समय का सदुपयोग कर लो, लोगों की मदद कर लो, जैसे बन पाए वैसे मदद करो। एक चिड़िया थी ना, चिड़िया एक बस्ती में आग लगी, वो चिड़िया चोंच में पानी भरती और पानी डालती, पानी भरती और पानी डालती। जितने में किसी ने कहा कब्बे ने, चिड़िया तो क्या कर लेगी इस पानी से, तेरी चोंच के पानी से तो एक आग का कतरा नहीं बुझेगा, तू क्यों भाग दौड़ कर रही है। बोले मैं इसलिए कर रही हूं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जैसी शक्ति हो वैसा सेवा कीजिए। हाथ से कर सकते हो हाथ से कीजिए, शरीर से कर सकते हो शरीर से कीजिए, लेकिन आप दोनों से नहीं कर सकते हो तो अरे धन से तो कीजिए। एक रुपया भी अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा की उस बुक में आपका नाम आता है कि किसी की मदद की आपने। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परहित कारण मांगता मोहिन आवे लाज। कोई शर्म नहीं। मदन मोहन मालवीय जी ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना लोगों से मांग मांग के की। आज यदि एक बच्चे का किसी का पेट भरना है तो आप अपनी रोटी में से कुछ रोटी उसको दे देंगे, पेट भर जाएगा, लेकिन आपको 10 का भरना हो तो आप मना कर देंगे। आपको 25 का भरना हो तो आपकी हिम्मत नहीं होगी। आपको 100 का भरना हो तो आप क्या कहेंगे, नहीं कर सकते। नारायण सेवा में भी 4,500 लोग सुबह भोजन पाते हैं, इसलिए मांगते हैं कि उन 4,500 लोगों को भोजन मिलता रहे। 100 बच्चों के ऑपरेशन होकर उनके दुखों को दूर करती है संस्थान, अगर नहीं मांगे तो एक बच्चे का ऑपरेशन भी कठिन हो जाता है तो 100 बच्चे कैसे खड़े होंगे दिन में। अगर नहीं मांगते तो आज 3,75,000 लोग जो अपने पांवों पर चल रहे हैं, अब जो चारों हाथ पैर से रेंगकर चल रहे थे वो पांव पर चल रहे हैं, वो पांव पर नहीं चल पाते। मेरे पास कई सज्जन ऐसे आते हैं, साहब हमसे ले लो, मांगना हमसे नहीं होता, मांगना हमसे नहीं होता। मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति को प्रेरक बनना चाहिए। मैंने कहा ना कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने अपने तन के काज, मुझे अपने लिए चाहिए हो तो मैं कभी नहीं मांगूंगा, लेकिन मुझे औरों के लिए चाहिए हो तो मुझे कोई लाज कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे भाव शुद्ध हैं और मैं औरों की मदद करना चाहता हूं। मैं ब्रिज बनना चाहता हूं, मैं सेतु बनना चाहता हूं देने वाले और पाने वाले के बीच में।